हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 12 जुलाई 2018 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लास्ट 24 आवर के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, प्लस जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो भी साथ साथ आपके साथ इस वीडियो में, ताकि आपका करंट डे का प्लस जुलाई मंथ के अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डेली बेसिस पर रिवाइज होता रहे। एंड इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड इसे शेयर जरूर करें। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इन रिसेंटली रिलीज्ड बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। मतलब आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया बिजनेस करने में, मतलब आराम से बिजनेस हुआ उस स्टेट में। तो यही आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया इस इन दिस रैंकिंग। तो आंध्र प्रदेश ने इस में टॉप किया। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा टू साइन एन MOU। तो कौन से फर्स्ट चेयरमैन बने जिन्होंने मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक फर्स्ट एवर साइन किया। इससे पहले किसी भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने ये साइन नहीं किया था, तो ये फर्स्ट बने। तो आंसर इज एम विनेक नायडू। देन इंडिया रिसेंटली साइंड 5 मेमोरेंडम विद विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने 5 मेमोरेंडम साइन किए। तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। एंड ये किए ऑन डिफरेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स में ये 5 मेमोरेंडम साइन हुए विद साउथ कोरिया। एंड जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मून जिंग इंग। एंड विच इंडियन नेवल शिप हैज़ बिकेम द फर्स्ट एवर वारशिप टू एंटर पोर्ट ऑफ सबंग इन इंडोनेशिया। तो जो फर्स्ट एवर इंडियन वारशिप नेवल शिप है, तो वो जो एंटर किया जिसने सबंग इंडोनेशिया में, तो उस नेवल शिप का आपको नाम बताना। उस ये नेवल शिप का नाम है INS सुमित्रा। देन विच एयरपोर्ट इज गोइंग टू सून बिकेम टू स्विच टू सोलर पावर। मतलब सारे डिपेंडेंट हो जाएगी ऑन सोलर पावर। कौन सा इंडिया का वो एयरपोर्ट है, इससे पहले जो वर्ल्ड का था वो कोचिन में, जो वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो सारा ऑन सोलर पावर पे ही चल रहा है। तो सारी इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी यूज़ हो रही है वो सारी ऑन सोलर पावर है, तो उसकी यूज़ हो रही है। एंड अब इंडिया का जो बनेगा तो ये है वडोदरा एयरपोर्ट जो है गुजरात में। देन विच स्टेट विल टेक एक्शन ऑन फैट पुलिसमैन। तो कौन सी स्टेट जो मोटे वाले पुलिसमैन है उनके खिलाफ एक्शन लेगी। तो जो उनको मतलब कर्नाटका पुलिस में, कर्नाटका गवर्नमेंट ये एक्शन लेगी। तो जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, जिनसे इवन चला गया चोरों को पकड़ेंगे कैसे, इतने ज़्यादा मोटे हैं वो दौड़ भी नहीं पाएंगे, तो उन्हीं के खिलाफ ये एक्शन है। आई थिंक ये तो बेटर ऑप्शन है, मतलब इन्होंने अच्छा किया। तो ये कौन सी गवर्नमेंट करेगी, ये एक्शन लेगी, तो द आंसर इज कर्नाटका पुलिस। एंड ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को हम सेलिब्रेट कौन से डे को करते हैं, मतलब इसमें सेलिब्रेट करने वाला कुछ नहीं है, इसमें मतलब अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं टू हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन पॉपुलेशन एंड ये इसके रिलेटेड होते हैं सब कुछ। तो ये होता कब है, ये 11 जुलाई को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए 12 जुलाई के। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आप पर डे, अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप 5 क्वेश्चन लेते हैं आप करंट डे के, तो सपोज़ आप 5 क्वेश्चन लेते हैं पर डे, 13 to 5 मतलब 150 क्वेश्चन आप कर लेते हैं। एंड आप जब फाइनल वीडियो देखते हैं, जब आप एट द एंड या यूट्यूब पे देखते हैं या कोई भी मैगजीन देखते हैं, उसमें भी आपको 100 to 150 तक क्वेश्चन मिलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे देखा जाए, अदरवाइज आप अगर पर डे के ही आप 20, 25, 15 तक भी क्वेश्चन करते हैं, तो वो अगर आप 10 क्वेश्चन भी करते हैं पर डे तो 300 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हुआ था। अगर आप 300 क्वेश्चन करते हैं 1 मंथ के, किसी भी एग्जाम के लिए जाएंगे 6 मंथ के क्वेश्चन करने हैं आपने, तो आप 1800 क्वेश्चन याद रख पाना, आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। एंड इसीलिए मैं पर डे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5, 6, 7 क्वेश्चन ले रहा हूँ एंड डेली साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। एंड उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हेल्प जरूर करेंगे हमारे आने वाले एग्जाम्स में। डेली रिवाइज भी हो रहा है, तो आपको बार बार इसे रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड एट द एंड एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा, तो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। एंड नाउ मैंने करंट डे के शेयर किए, नाउ आई एम शेयरिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जुलाई मंथ अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड रीशफल करके कुछ कल किए थे एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आज करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा 13 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, कौन से स्टेट में रखा? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं लाइक सीवेज प्रोजेक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रोड प्रोजेक्ट्स एंड बाकी माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, ये 3 मैंने आपको मेजर बताए। तो ये राजस्थान में रखा रिसेंटली। देन कौन सी बुक ने हैज़ बीन वोटेड एज द बेस्ट एवर मैन बुकर प्राइज विनर, तो कौन सी बुक को ये प्राइज़ मिला? तो द इंग्लिश पेशेंट। Then who inaugurated the new mobile manufacturing plant of Samsung and Noida 81 sector 81, तो मतलब नोएडा सेक्टर में ये इसकी इनाग्रेशन हुई। साउथ कोरिया के प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी है। साउथ कोरिया के जो प्रेजिडेंट है उनका नाम मून जे इंग। तो ये रिसेंटली अभी हुआ एंड वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं होगा जहाँ सबसे ज़्यादा मोबाइल की प्रोडक्शन होगी। एंड ये किसे इसने स्टार्ट किया? सैमसंग ने। देन कौन से नेशन ने एग्री टू रिड्यूस टैरिफ्स ऑन इज इम्पोर्ट्स ऑन इंडियन मेडिसिन, मतलब हम इंडिया चाइना से कैंसर ड्रग्स एंड अदर मेडिसिन जो वहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये आपको बताना है कि यही बताना था कि कौन से नेशन ने एग्रीमेंट साइन किया कि वो टैक्सेस को कम करेंगे एंड जो इम्पोर्ट को भी बढ़ाएंगे। तो द आंसर इज चाइना। देन हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन जिमनास्टिक वर्ल्ड कप 2018, तो फर्स्ट इंडियन बनी जिन्होंने जिमनास्टिक वर्ल्ड कप में मेडल जीता, गोल्ड मेडल, गोल्ड जीता। तो द आंसर इज दीपा कर्माकर। ये सैमसंग ने स्टार्ट किया, ऑलरेडी शेयर्ड। देन कौन सी स्टेट ने थर्मोकोल कटलरी, थर्मोकोल की प्लेट्स को बैन कर दिया? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बिकेम द सेकेंड इंडियन टू स्केल माउंट हाईएस्ट वर्ल्ड वॉल्केनो, तो हाईएस्ट वॉल्केनो को जो सेकेंड इंडियन बने जिन्होंने स्केल किया सेकेंड टाइम। तो जो फर्स्ट थे वो थे फर्स्ट माली मस्तान बाबू जिन्होंने माउंट जो हाईएस्ट वॉल्केनो का नाम है माउंट ओजस दिल सलाडो। तो जो ये सेकेंड बने इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत था। तो फर्स्ट थे माली मस्तान बाबू। देन उसके बाद है जी, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द खान पहाड़ी ऐप, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने खान पहाड़ी ऐप को लॉन्च किया? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू स्टॉप इलीगल माइनिंग ऑफ कोल। देन हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट फ्रॉम द मिनोरिटी कम्युनिटी टू कॉन्टेस्ट असेंबली इलेक्शन इन पाकिस्तान, मतलब मिनोरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सुनीता परमार, बेसिकली फ्रॉम इंडिया। तो ये कॉन्टेस्ट इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। 25 जुलाई से हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस, तो ये फर्स्ट बनेगी फ्रॉम मिनोरिटी कम्युनिटी। सो आपको इसका नाम बताना था, इनका नाम बताना था, सुनीता परमार। देन कौन सी कंट्री के प्रेजिडेंट 5-4 दिन की विजिट पे थे फ्रॉम 8 जुलाई 2018? नॉर्थ कोरिया। देन जी उसके बाद है जी, हु हैज़ बिकेम द थर्ड इंडियन क्रिकेटर टू रीच ए माइलस्टोन ऑफ प्लेइंग 500 इंटरनेशनल मैचेस, महेंद्र सिंह धोनी बने, इससे पहले राहुल द्रविड एंड हमारे ग्रेट लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, तो इसके मेंबर जो अपॉइंट हुए उनका नाम है उदय के वर्मा। इज रिलेटेड टू कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, जो भी टेलीविजन्स पे ब्रॉडकास्ट होता है उसके रिलेटेड जो कंप्लेंट्स के, जो इनके जो न्यू मेंबर अपॉइंट हुए उनका नाम उदय के वर्मा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल काम करती है टू ऑन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्टर्स। तो इसके जो मेंबर अपॉइंट हुए इनका नाम आदर्श कुमार गोयल। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर होगा, एंड अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।